हेलो स्टूडेंट, आज इंटरमीडिएट क्लास के लिए सिंथेसिस एक नया चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। सिंथेसिस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से इसको पढ़िए, कॉपी लेकर बैठिए, जहाँ आपको अच्छा लगे अपना नोट करते जाइए। कभी कभी ऐसा होता है मैं जो बोल रहा हूँ आपको वो बात एक ऐसी लगती है कि इसे हमें लिखना ही चाहिए, तो वो आप नोट करते जाएं। ये पढ़ने का तरीका होता है, हमेशा कॉपी और पेन हाथ में हो, जब आपको जो चीज़ अच्छी लग जाए उसको नोट कर लीजिए तुरंत। वैसे जो हम लिखवाते हैं वो तो एक आपका पूरा रूल सहज ही लिखवाते हैं। देखिए आप लोग सिर्फ ऐसे तो सिंथेसिस का अर्थ होता है सिंथेसिस मीन्स जोड़ना, सिंथेसिस का अर्थ होता है जोड़ना, मतलब दो या दो से अधिक सेंटेंसों को जोड़ करके एक नया सेंटेंस बनाना, दो या दो से अधिक सेंटेंसों को जोड़ करके एक नया सेंटेंस बनाना। और ये नए जो सेंटेंस बनते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं, ये नंबर वन सिंपल सेंटेंस, और दूसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और तीसरा कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस, ये तीन प्रकार के होते हैं। अब सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड ये क्या मैं कहती हूँ ये भी देख लीजिए। सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस होते हैं जिसमें एक फिनिट वर्ब होती है, यानी कहने का मतलब कि एक कर्ता एक क्रिया। सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट तथा एक क्रिया, अर्थात इसे फिनिट वर्ब। ये है सिंपल सेंटेंस की पहचान। सिंपल सेंटेंस की पहचान एक सब्जेक्ट तथा एक क्रिया है, क्रिया माने फिनिट वर्ब होता है। और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होते हैं वो एक या अधिक सब्जेक्ट तथा एक होते हैं, एक से अधिक फिनिट वर्ब होते हैं जिनमें एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा दूसरा सबऑर्डिनेट एक से अधिक सब्जेक्ट तथा एक से अधिक फिनिट वर्ब, यानी हम ये कह सकते हैं कि इसमें दो वाक्य जोड़े जाते हैं और जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज
तथा दूसरा सबॉर्डिनेट क्लॉज होता है। प्रिंसिपल क्लॉज माने होता है प्रमुख वाक्य, मुख्य वाक्य, और ये सबॉर्डिनेट माने आश्रित। वाक्य एक मुख्य वाक्य और एक आश्रित वाक्य होता है। आश्रित का मतलब होता है कि जो दूसरे पर आश्रित हो, और इसका अर्थ दूसरे पर ही निर्भर रहता है, यानी एक वाक्य के बगैर दूसरा अधूरा होता है, इसे आश्रित वाक्य कहते हैं। और मुख्य वाक्य माने प्रमुख वाक्य हो गए। अब तीसरा कंपाउंड जो कंपाउंड सेंटेंस होता है, इसमें भी दो या दो से अधिक आगे खिलाओ होते हैं, जिनमें एक प्रिंसिपल क्लाउज तथा दूसरा कोऑर्डिनेट कंपाउंड सेंटेंस दो या दो से अधिक क्लाउज होते हैं, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लाउज तथा दूसरा कोऑर्डिनेट क्लाउज। प्रिंसिपल क्लाज माने प्रमुख वाक्य ऊपर में लिख दिया, और कोऑर्डिनेट माने सहयोगी। सहयोगी वाक्य ये दोनों को आपको समझना पड़ेगा कि आश्रित और सहयोगी क्या। आश्रित वाक्य जैसे हमने बताया है कि एक के बगैर दूसरे का अर्थ नहीं निकलता, वो आश्रित होता है। और सहयोगी का मतलब है कि दूसरे पहले का भी अर्थ अलग होता है, दूसरे का भी अर्थ अलग होता है, यानी दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें, आश्रित वाक्य में हम कहेंगे टीचर ने कहा कि सभी लोग अपना काम करें। अब टीचर ने कहा कि सभी लोग अपना काम करो, टीचर ने कहा कि इतना जो है ये फिर मुख्य वाक्य है, और सभी लोग अपना काम करो ये आश्रित वाक्य है। ये आप इसमें देखिए, दूसरे में अपना काम करो और घर जाओ, एक वाक्य अपना काम करो ये भी पूरा है, और अब घर जाओ ये भी पूरा काम वाक्य है, यानी दोनों का इम्परेटिव सेंटेंस है, बीच में हमने और से इनको जोड़ दिया है, तो इनको सहयोगी वाक्य कहते हैं, इसलिए ये कंप्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। सेंटेंस तीन प्रकार की हैं, जोड़ने के बाद सिंपल सेंटेंस, कंप्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। अब आज हम बात करते हैं केवल सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस कैसे, अब मैं इनको कैसे करता हूँ, अब आज सबसे पहले सिंपल सेंटेंस। यानी दो या दो से अधिक वाक्यों को, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को एक सिंपल सेंटेंस बनाना। दो या दो से अधिक कोई जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस
बना। आज आप ये सीखेंगे कि दो या दो से अधिक सिंगल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सेंटेंस बनाना। जैसे जैसे आई सा ऐसा लाइन, मैंने एक शेर देखा, और दूसरा सेंटेंस था आई रैन अवे, मैं भाग गया। पहला सेंटेंस आई सा ए लाइन। ऊपर देखें दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना। ये दो सेंटेंस अलग अलग हैं, आई सा ए लाइन आई रैन अवे, दो सेंटेंस हैं। इन दोनों को एक बनाना है, एक जोड़ करके बनाना है। तो कैसे जोड़ेंगे? इन जोड़ने के लिए अब आपको रूल का प्रयोग करना है। यहाँ पर हैं सबसे पहले पार्टिसिपल का, ये जोड़ने के लिए रूल यूज ऑफ पार्टिसिपल। ये पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल, ये पार्टिसिपल आपके तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। जब हम बोलेंगे हम थोड़ा इसका हिंदी अर्थ भी निकालेंगे। सर 12 मिनट तो हो गए। आई सा ए लाइन, मैंने एक शेर देखा, आई रैन अवे, मैं भाग गया। हम हिंदी में जोड़ेंगे तो इस प्रकार जोड़ेंगे कि शेर देख कर के मैं भाग गया, यानी दो जगह माय बना था, यहाँ पर हमने एक ही कर दिया, शेर देख करके मैं भागा। तो एक हमने देख करके, इसको हमने पार्टिसिपल बनाया। और प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में आईएनजी जोड़कर बनता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में आईएनजी जोड़कर बनता है। तो इसको जब हम बनाएंगे तो सीएनजी होगा। सीइंग अ लाइन आई रैन अवे, ये आपका सिंपल सेंटेंस हो गया। दो वाक्य थे, ये दोनों पहले से भी सिंपल थे, अब हमने एक नया वाक्य बना दिया, सीइंग अ लाइन, शेर देख करके मैं भाग गया। ये जो आपका है ये पार्टिसिपल हुआ और वो पहला पूरा सेंटेंस हो गया। इस प्रकार से ये आज ये सिंथेसिस का केवल इंट्रोडक्शन ही हुआ होगा। कल इसकी सिंपल सेंटेंस की एक्सरसाइज तो होगा, और आप इसको नोट जरूर करें। थैंक यू।